पुलिस मुलाजमान वालों लाउडस्पीकर से की जा रही अनाउंसमेंट, दुकानदारों में भगदड़, दुकाना बंद करके घरों परतन लगे दुकानदार। वड्डी खबर सामने आ रही है पंजाब तो, जिथे कोरोना के वधदे कहर नूं वेखते हुए पंजाब सरकार वालों नाइट करफ्यू का समा जो पहला 11 बजे तो लैके सवेरे 5 बजे तक का सी, उस नूं बदल के रात 9 बजे तो किया गया, जिसके चलते पुलिस मुलाजमान ते प्रशासन वालों लाउडस्पीकर ते अनाउंसमेंट की जा रही है दुकानदार दुकाना बंद करके घरों परतन। तुसी वेख सकते हो कि पुलिस वालों दित्ती चेतावनी के चलते दुकानदार अपनी दुकाना बंद करके घरों परतन लगे ने। हर तरह दियाँ सख्ती नाल उहदा जिहड़े ऑर्डर हैगे आ कोविड की रोकथाम लई जो भी ऑर्डर पास होए आ उहनां दा सख्ती नाल लागू कराउण संबंधी सानूं हुक्म दित्ते गए, और असी सीपी साहब वालों सानूं सख्त हदायतां हैगियां कि कोविड की रोकथाम वास्ते जिहड़ा हैगे आ जो भी कोविड की प्रिवेंशन वास्ते जिहड़े लॉ एंड ऑर्डर का जो अपने करफ्यू संबंधी समा दिता गया, उस समय में बिल्कुल लोगों को पहले तो अवेयर किया जाना है, अवेयर किया गया और मुताबक जो अगर वायलेशन करता पाया गया तो कार्रवाई की जाएगी। पब्लिक कितना का समर्थन दे रही है? पब्लिक समर्थन दे रही है फिलहाल। देखो दुकाना ऑलमोस्ट दुकाना असी उन्होंने दसिया सी अज इस संबंधी अवेयर किया जाए, 11 की बजाय 9 बजे का समा हो चुका है। हुण आले दुआले फिलहाल जिते खड़े हैं वो आले दुआले मैंने कोई दुकान खुली नज़र नहीं आ रही हैगी, फिर भी असं देखा घर अगर कभी कोई वायलेशन करता पाया जाता तो वो अगेंस्ट अकॉर्डिंगली जी प्रिवेंशन वास्ते कोविड प्रिवेंशन वास्ते हर तरह की जी भी कार्रवाई कानून मुताबक बनती है की जाएगी। जिदा कि सर पहला दिन नाइट करफ्यू का फिलहाल अजे 40 मिनट ही हुए आ, क्योंकि कल तक जो 11 बजे का समा सी 11 बजे तो करफ्यू स्टार्ट से, इस करके लोगों दसा मेरे ख्याल लास्ट टाइम जो लॉकडाउन एमरजेंसी उस तरह ही हाँ, अगर कोई मेडिकल की प्रॉब्लम है किसी को हस्पताल किसी का कोई पेशेंट एमरजेंसी हस्पताल ले जाना पै रहा जां हस्पताल तो वापस घर ले जा रहे हैं, जां कोई एमरजेंसी कोई फ्लाइट करके आ रहा है, जां किसी लंबे स्टेशन तो आ रहा उन्होंने इस तरह की हैगी है। क्लीयर करेंगे जी वो बारे में, बाकी सारी गाइडलाइंस जो है सारे क्लीयर करेंगे। अब पहले तो बंद हो गया ये समय, आपको 9:30 से दुकानें बंद करवानी थी, 9 बजे तक प्रॉपर कर्फ्यू लग जाता है, लेकिन 9 बजे से ऊपर टाइम हो रहा है, उसके बाद भी अभी आपकी दुकान आपकी खुली हुई है, बस आपको मौका ही नहीं, मतलब आप अपनी गलती को नहीं स्वीकार रहे, गलती मान रहे हैं हम आपसे, और आपने मुंह पे मास्क भी नहीं पहना, आपने तो सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं है यहाँ, थोड़ी ऊपर मास्क कहाँ से आ रहे हैं, इतने केसेस बढ़ रहे हैं, आज कर्फ्यू का टाइम भी जो उन्होंने चेंज कर दिया, उसके बाद भी आप देख लीजिए, आपको पता है कितने केसेस आ रहे हैं शहर में, इस तरह बीमारी बढ़ रही है, क्यों सरकार इतने सख्त कदम नहीं ले रही, ना आपने मास्क पहना था ना किसी वर्कर ने माना था, वो तो हमें हमारे सामने पहना, उन्होंने देख के कह रहे हैं ना, आपने क्यों नहीं पहना, 9 बजे के बाद भी बंद है आपको सर, अपने यहाँ खाना बना रहे हैं ना 9 बजे का, नहीं पर 9 बजे तो कर्फ्यू के शुरू होने का टाइम दे दिया है सरकार ने, उसके बाद भी आगे आप अभी तक खुले हैं, जो बात करें सरकार ने टाइम दिया है 12 बजे तब तक हम अपना सामान बना रहे हैं, कितने बजे तक कर दिया 12 बजे बताया है कि आज बताना है, हमने सुबह ऑर्डर हो चुके हैं, 9 बजे शुरू हो चुका है, हम 12 बजे अपना सामान बना के बैठे थे तो अब खत्म करके जाएंगे, खत्म हो गया है, अब आप देख सकते हैं दोनों शटर नीचे है, मतलब कि जो सरकार की हिदायतें हैं जो उन्होंने अभी टाइमिंग चेंज कर दी है, उसके बाद ही हाँ अभी हाँ हम कर रहे हैं उसके मुताबिक ही कर रहे हैं, देखिए आप 9 बजे हैं सब कुछ बंद है, बंद है सर आपको तो खुला हुआ है, दिखाइए जरा कैमरा घुमाइए, दिखाइए कैमरा घुमाइए, बाहर आपके वर्कर भी हैं, कैमरा घुमाइए, आपके वर्कर भी हैं, अंदर है आप अपनी मैं क्या बना रहा हूँ,
अगर मैं कुछ भेज रहा हूँ तो सभी के अंदर खराब होगी। सभी को 9 बजे के बाद बंद करने को कहा गया है और 9 बजे तक आपकी दुकान खुली है। 9 बजे से ऊपर देखिए क्या टाइम हो गया। देखिए 9:04 हुए जब आप अंदर आए तो 9 बजे थे। तो देखिए सुपरपावर नहीं है सर, अभी हमें 5 मिनट लगेंगे। अगर आप कैमरा घुमाएंगे तो आपको पता लगेगा कुछ बंद है। आप कैमरा नहीं घुमा रहे हो।